देश और प्रदेश में आम चुनाव को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। कोई भी दल 2024 के चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। फिलहाल यूपी में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही देखने को मिल रहा है। सपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को पुख्ता करते हुए अपने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करके सबको चौंका दिया है। सपा ने अपनी पहली सूची में कई मौजूदा विधायकों को लोकसभा का टिकट दे दिया है। इनमें से एक है लखनऊ मध्य से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, जिनको अखिलेश ने लखनऊ से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। अब आपको बताते हैं कि कौन है रविदास जिन पर सपा ने दांव लगाया है। सपा के लोकसभा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा का राजनीति से पुराना नाता रहा है और कॉलेज के दिनों से ही वह राजनीति को लेकर काफी सक्रिय रहते थे। इसी के चलते वह 251 बार जेल जाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जेल जाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। रविदास ने पहली बार 1989 में लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। उसके पश्चात वर्ष 2012 में वह सपा के टिकट पर चुनाव लड़के दोबारा विधायक बने। इस बार लखनऊ मध्य से विधायक चुने गए और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में वह बीजेपी की चुनौती से पार पाते हैं या नहीं। इस खबर पर अपनी राय और कमेंट जरूर दें।